हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हो? होप्स हो कि आप सब अच्छे होंगे, एंड अच्छे ना भी हो तो अच्छे होने की कोशिश कीजिएगा, मतलब कि मन से। और वैसे तबीयत तो बिगड़ता ही रहता है आजकल, मतलब हर किसी का यही बस सियापा रहता है कि तबीयत बिगड़ता रहता है। तो कोई ना, हेल्दी वे में जीना सीख रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, है ना। तो मेरे सारे ब्यूटीफुल व्यूवर्स, आप लोगों को स्कंद षष्ठी के ढेर सारे शुभकामनाएं। तो आज कार्तिक पूजा होते हैं, तो वही। एंड मेरे घर में जो है कार्तिक की मूर्ति में अलग से पूजन करती हूँ, तो वो तो मैंने वीडियो में नहीं डाली, लेकिन यहाँ सुपारी को भी कार्तिक के स्वरूप में पूजन किया जाता है, या कोई सा भी देव देवी हो, जैसे कि गणपति हो या गौरी माँ हो, ऐसे मूर्ति के अलावा भी सुपारी को, या फिर मिट्टी का जो है आप ऐसे मूर्ति स्वरूप बना के आप पूजा कर सकते हो। तो यह मैं जो है वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो पूजा करना या ना करना ये खुद पे होता है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप पूजा करो। मैं इतना भी रिलीजियस नहीं हूँ, इतना भी क्या, मुझे रिलीजियस नहीं होना, एंड मैं स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव कर रखती हूँ। एंड इतने सारे बातें मैं अभी क्या बता रही हूँ, हाँ मतलब इतना सारा डीप में मैं घुसना नहीं चाहती। वो ये कुछ लोग ऐसे फोर्सफुली करते हैं कि आप पूजा करो पूजा करो, उसका मन ही नहीं है तो वो क्या करे, है ना, क्या करे नहीं क्यों करे, है ना। जब कोई भी काम हो, कोई भी पूजा हो, आराधना हो, वो आपको मन से मतलब इच्छा जगना चाहिए कि करना है। ऐसे नहीं है कि आप मतलब मानते नहीं हो, कोई कोई लोग होते कि मानते हैं, मतलब श्रद्धा रखते हैं, लेकिन ऐसे ना रिचुअल्स पूजा वगैरह पूजा पाठ क्या बोलते हैं उसको, पूजा पाठ आराधना ये सब नहीं करते, कर सकते। तो अपने अपने लाइफ है ना, तो मैं ये बात क्यों आज बोल रही हूँ, है ना। मैंने एक ऐसे देखा है कि मेरी ही फ्रेंड है, उसका कुछ ऐसे है ना, वो मतलब बचपन से ऐसे पूजा पाठ वगैरह उसको ऐसे मतलब है, मतलब पार्टिसिपेट करता है, या घर में पूजा होते हैं तो नमन वगैरह करते हैं, प्रसाद वगैरह लेते हैं, मतलब सब कुछ मानते हैं, श्रद्धा है, आराधना है मन में, लेकिन वो कर नहीं सकते ये सब, मतलब उसको सहन नहीं होता फास्टिंग वगैरह पूजा पाठ। कभी कभी कर लेते हैं ऐसे अगरबत्ती धूपबत्ती दिखाना, वो सब कर लेते हैं घर का जो है छोटा मोटा जो पूजा, ढेर सारी जो नियम है वो नहीं मानना पड़ता, उस टाइम में वो कर लेता है, लेकिन फास्टिंग वगैरह रखना उसके लिए एकदम से ईजी नहीं होता। तो जब तक अपना हेल्थ सही हो तब तक ही मन भी मतलब सही रहता है, तो पूजा में भी मन लगता है। हेल्थ ही सही ना हो, माइंड ही सही ना हो, मन ही सही ना हो, तो आप पूजा करके क्या फ़ायदा, है ना। तो वही सारे से अपा जो लोग ऐसे फोर्स करते हैं ना, आप पूजा करो पूजा पाठ करो ऐसे करो वैसे करो, उन लोगों की मैं एकदम से खिलाफ़ हूँ वही मैं मतलब क्या बताओ। और एनीवे हाँ, आज कई लोग मेरे बात सुनकर बोलेंगे ये कैसी लड़की है, क्या बोल रही है। देखो मैं अपना जो है मन की बात या फिर मेरे जो दिमाग में चल रही होती है वो बात मैं कह डालती हूँ, सामने वाले गुस्सा करे क्या करे वो मेरे को समझ में नहीं आता इतना। एंड मुझे भी गुस्सा आता है, गुस्सा मुझे कंट्रोल भी करना आता है, और कभी कभार क्या होता है मैं जानबूझकर कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि उस टाइम में ना वो बात आपको मतलब रिएक्शन देना ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्शन ना दे तो लोग ऐसे ना आपके ऊपर कुचल के चले जाएंगे, ऐसा कुछ ना। मेरे साथ तो हालांकि ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ, कोई लोग बाय गॉड ग्रेस मेरे साथ गलत चीज़ किसी ने भी नहीं किया मेरे आसपास के लोगों ने, या फिर हाँ होता है ना कोई कोई मतलब कर लेते हैं, मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे आसपास के लोगों के साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है। उस टाइम भी मैं अपना मुँह बंद नहीं रख पाती हुई माँ भी ऐसे ही थे पहले, है ना, तो पापा भी थोड़ा मतलब मेरा बाबा भी थोड़ा बहुत ऐसे ही है, तो दोनों पे ही मैं गई हूँ, तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ, है ना, गलत चीज़ देखकर। तो अभी ऐसे बोलते कि ऐसा मतलब हर काम मतलब हर चीज़ पे मुंह खोलना ज़रूरी है, हाँ ज़रूरी नहीं है फिर भी होता नहीं ना कंट्रोल, वही ना वही हंस हंस के बोल देती हूँ, गुस्से में तो नहीं बोल सकते ना लोगों के साथ, हंस हंस के बोल देती हूँ ताकि सामने वाला भी आपको कुछ बोल ना पाए और उसका भी शिक्षा हो जाए कि वो गलत कर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ जैसे मैं बता ही दूंगी, कहो तो अपने घर का एड्रेस भी बता दूं। ओ, मतलब तुम्हें भी गुस्सा करना आता है?